नए हो ना, पहली बार आए हो ना, तो देख क्या रहे हो। सब्सक्राइब करो एम्ब्रोज रिएक्शंस को इस रेड बटन को दबाकर और साथ में इस बेल आइकन को दबाओ और बन जाओ हिस्सा हमारी एम्ब्रोज फैमिली का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम्ब्रोज रिएक्शंस और मैं हूं रेहान और मैं हूं साहिल। सो आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन करने वाले हैं उसका नाम है अननोइंग थिंग्स अबाउट शादीज बॉयज वर्सेस गर्ल्स। मैंगोबाज का ये वीडियो है और इस वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया है हबीबा मुगल ने। उसने तो कहा है भाई लाहौर में आओगे तो बोले साहिल भाई को लाना और क्या बोलते हैं हमारे घर पर ही रहना और खाना पीना घर पर ही और तो होटल का खर्चा ओवरऑल वो अपने को क्या बोलते हैं उसको होटल के पैसे लाहौर स्पॉन्सर कर रही है ना, तो लाहौर में घुमाना फिराना रहना। और कल एक और हमारे सब्सक्राइबर का मैसेज आया था, वो बोले कराची में आओगे तो मेरे घर चलो लाहौर कराची, तो मतलब समझ लो रहने का काम तो हो गया, रहना खाने का हो गया। लाहौर से बच जाएंगे, लाहौर कराची आपने फिक्स कर दिया, अब बचा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद से जो भी हो बता देना, बता देना है ना। तब तक के लिए अभी हम ये वीडियो शुरू कर लेते हैं, पता पता चले हम रिएक्शन ही नहीं दे पाए तो उसके लिए आपको 1,00,000 सब्सक्राइब करना पड़ेगा अगर बुलाना है तो, मेहमान नवाजी करनी है तो। चलो शुरू करते हैं। ये शादियां भी लड़कियों के लिए अजाब होती है, सुबह से तैयारी कर रही हूं लेकिन अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। हां मतलब हम लड़कों के लिए तो जैसे अजाब होता ही नहीं है। क्या मतलब, हमें तो जिन आके तैयार करते हैं। हम लड़कियों को सुबह से पार्लर जाना पड़ता है, यार शेव करनी पड़ती है, मेकअप और बाल बनवाने पड़ते, कोट पहनना पड़ता है, ये फंदा भी चढ़ाना होता है। हमारा 10 किलो का जोड़ा कभी तुम पहन के, और आपकी 150 पिक्चर्स भी तो लेनी होती है ना। कभी तुम पहन के दिखाओ, मैं तो आराम से पहनूं, सजना ही है ना। तुम लोग कभी सूट पहन के दिखाओ, पूरी पारियां काटो, इधर उधर सबको ले जाओ। शादियों में तो लड़कियां ढंग से खाना भी नहीं खा सकती, हमने लिपस्टिक भी तो लगाई होती है और लोगों के सामने डाइटिंग करने का भी बहाना करना पड़ता है, तुम लड़कों को क्या पता। तो शुक्र करो तुम लोगों को खाना नहीं खाना पड़ता, हमें तो हर कोई ठुसवाने पे तुला रहता है। सॉरी मेरी बॉडी खराब हो गई है, ना खाओ तो मेजबान नाराज, खाओ तो पेट नाराज, क्या समझोगे हम मर्दों के दुख। अच्छा बस मैं कपड़े चेंज कर जा रही हूं। इकरा जल्दी करो यार, देर हो रही है। लड़कियों के लिए सबसे बुरी चीज पता है क्या होती है, इतने सवाल जो हमसे पूछे जाते हैं। तुम लोग को इसके बारे में क्या पता, मजबूर किया जाता है पूछने पर। जैसे कि सैलरी कितनी है, ये जोड़ा वही है जो तुमने लास्ट टाइम पहना था। ये लड़कियों को पूछते हैं, लड़कियां पूछती हैं तुम्हारे बाल कह रहे हैं, हेयर ट्रांसप्लांट का सोचा है, कब आ रही है। दूसरी कुछ कभी कब आ रही है, तुम्हारी रोटी कितनी गोल है, घर में सब कुछ सही है ना, खाना बना लेती हो, तुम्हारी सास में अच्छे से तो ट्रीट करती है ना, तुमने वेट पुटान कर लिया है तो इतना खाती क्यों हो। यार इकरा सॉरी, इकरा सॉरी, मैं मजाक कर रहा था। इकरा लोग तो कहते रहेंगे इकरा तुम मोटी नहीं हो। Obviously यार तुम मोटी नहीं हो, मैं मजाक कर रहा था यार, मेरे मुंह से निकल गया था, लोग उल्टी सीधी बातें कहेंगे। यार देखो मेरी बात मान लो, सॉरी यार, आई एम वेरी सॉरी इकरा। अच्छा कोई बात नहीं, इट्स ओके। ओहो पहली बार देखा किसी बंदी ने इतनी जल्दी माफ कर दिया। ओ चले भी जाओ, तो शादियों के दिनों में मनुष्य ट्रैफिक बहुत होता है। वैसे शुक्र करो तुम औरतों को ड्राइव नहीं करना पड़ता है इस ट्रैफिक में। फिर से शुरू, भारी जोड़ा और हील्स पहन के गाड़ी मैं चलाऊं। वैसे सूट मैंने भी पहना है लेकिन मैं ड्राइव कर लेता हूं। इतना फ्रस्ट्रेटिंग होता है, तुम्हें कोई आइडिया नहीं है, लड़के मशीन है, लड़के इंसान नहीं है। नहीं नहीं मुझे दो, मैं चला लूंगी गाड़ी, दे दो। शादियों के दिनों में लड़के तो मशीन होते हैं। ये भी मुझसे करवा लो काम। मैंने तो टाई भी नहीं बांधी, मैंने तो सूट भी नहीं पहना, मैं तो ड्राइव भी नहीं कर रहा, ड्राइव तो आप कर रही है। इकरा फाइनल पोजीशन चूज करो। घर में सब कुछ सही है ना? हाँ। पूछ नहीं रहा। ब्लूपर्स भी देखने को मिल गया, चलो अच्छी बात है। ब्लूपर्स आर बेटर देन रियल वीडियो। इकरा
पिया पिया ओ पिया पिया फसल हो गए ब्लूपर का बेस्ट पोर्शन आ गया मेरे पास 107 आपके साथ एंड कोई हाय हाय कुछ ये बहुत अच्छी तस्वीर है आज वाला आई वाज डे बनाने आते मैंने कितना हिट पुट ऑन किया अरे बाबा तो इधर दादा खाया करो हाथ में लग गए क्या तेरा बच्चों को सीखा मिल गया ना दुबई में यार शादियां इतनी लंबी क्यों होती हैं बिना मैं तो सारा वीकेंड आया हुआ है मेरे पांव तो हील में चल चल के टूट चुके हैं अगर आप लोगों को भी शादियां पसंद नहीं है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अगर पसंद है तो भी शेयर कर दें कमेंट भी करें और यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर करें वेरी नाइस यार वीडियो वॉज वेरी नाइस और जो शादियों में होता है मुझे तो शादियों से बड़ा इरिटेशन होता है किसी की शादी में जाना मुझे बहुत ही उसकी शादियों में गंदा लगता है और जब घर पर मेहमान भी आते हैं ना तब भी बहुत गंदा लगता है मुझे सबसे ज्यादा गंदा लगता है जब मेहमान आते हैं अरे मेहमान अरे यार अब नाश्ता लेने जाना पड़ेगा यार अब इससे अच्छे से बातें करना पड़ेगी हाथ मिलाना पड़ेगा अरे सबसे मेन बात कैसे बनाऊं सबसे मेन बात समझ में ही नहीं आता बात क्या करो बड़े बड़े लोग अपनी एज के बंदे सबसे मेन चीज सबसे एक चीज होती है सबसे बड़ा कौन सी और क्या चल रहा है और सुनाओ और सुनाओ इसका तो कोई जवाब ही नहीं है ये और सुनाओ वाला वर्ड साला कभी खत्म ही नहीं होता पूरी बात खत्म हो जाएगी और फिर बोलेंगे हाँ यार ये सब ठीक है और सुनाओ यार जिसने ये वर्ड बनाया ना तो चलो ठीक है अभी बहुत ज्यादा मस्ती कर ली और अगर आपको भी वीडियो पसंद आया तो हमें मस्ती पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो शेयर करो कमेंट करो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले और हमने शादी का वीडियो तो और बात कर दी मेहमान नवाजी की जिसकी भी शादी हो रही हो शादी मुबारक करके एक्सेप्ट कर लेना ओएसटी पर रिएक्शन दिया था शादी मुबारक ओएसटी उस वीडियो में भी हमने कहा था जिसकी शादी हो रही है उसको शादी मुबारक मुबारक उसे वीडियो अच्छा था और शादी में जो चीजें होती है ना वो सारी चीजें इन्होंने बताई है कि किस तरह से लड़के और लड़कियों को टाइम लगता है तैयार होने में लड़कों को तो नहीं लगता लड़कियों को तो बहुत ज्यादा ही लगता है क्योंकि पता नहीं उन्हें 50 तरह के चोचले करना होते हैं मेकअप करना होता है लहंगा वहंगा है जो भी हो अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक करना शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मिलते हैं आप अगली वीडियो में मेक लव नॉट वॉर